सिवान शहर के रामराज मोड़ पर इंफोसॉफ्ट कंप्यूटर का दूसरा ब्रांच का हुआ उद्घाटन। जी हमारा एक्चुअली नया ब्रांच तो नहीं है, पूरा ब्रांच बहुत पुराना है हमारा, 2011 से हमारा ब्रांच चल रहा है। ये राम रजिस्ट्री कचहरी रोड में कागजी मोहल्ला चौक के पास ये 2011 से हमारा ब्रांच चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बच्चों का डिमांड हुआ कि नहीं, ये रामराज मोड़ पर भी हम खुलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं बिहार बोर्ड के जो उनकी डिमांड थी कि सर उधर आइए, हमको आने में सुविधा होती है रजिस्ट्री कचहरी रोड में, बहुत दूर भी पड़ जाता है और कचहरी की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक उधर रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक नया ब्रांच का उद्घाटन किया है। क्या कुछ खास यहाँ बताया जाएगा, क्या कुछ छूट मिलेगा? अभी तो 50% ऑफ चल रहा है बच्चों के लिए और यहाँ पे बहुत सारा हम लोग सोच के आए हैं कि बहुत सारी बेटर से बेटर सुविधा दिया जाए बच्चों को ताकि उनके भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। कौन सा कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा? हमारे यहाँ पे खासकर BBA BCA MCA का भी क्लास यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है, और DCA जो नॉर्मल कोर्सेज है डिप्लोमा वो तो रहेंगे ही रहेंगे साथ में। कितने बच्चे एक साथ क्लास कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे यहाँ लगभग 17 बच्चों का एक बार में उनकी व्यवस्था है, 17 बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं। जी जी बिल्कुल, उनका स्वागत रहेगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ आए, एक बार आए, दो चार दिन डेमो करके देख ले और पसंद आए तो एक ज्वाइन भी करें, उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इंफोसॉफ्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दूसरा सेकेंड ब्रांच, पहला हमारा रजिस्ट्री कचहरी रोड में है, दूसरा रामराज मोड़ पर। देखिए डिजिटल ज़माने में आज के डेट में हर चीज़ डिजिटल ट्रांजेक्शन से लेके मार्केटिंग, शॉपिंग, इवन मेडिकल कंसल्टेशन अब डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है और इस बात के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं राजू भैया को और इनकी पूरी टीम को कि कंप्यूटर का इतना बढ़िया सेंटर सिवान में मैंने तो कहीं नहीं देखा है, तो इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और ये कोशिश की जाए कि यहाँ से जो बच्चे सीख के निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल हों। आज के डेट में दो तरह की परेशानियां हैं, एक तो ये है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो रही तो बच्चों में सीखने का एक ऐसा स्तर होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री के लिए रेडी हों, एम्प्लॉयबल हों, उनको नौकरी लग जाए और मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ से जब निकले तो अपने विकास कर सके, अपने परिवार को सपोर्ट कर सके और समाज के निर्माण में सहयोग दे सके। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि यहाँ बच्चे आएँ और सीखें, अपने जीवन का विकास करें और देश के विकास में सहयोग करें। क्या लगता है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं आर्थिक स्थिति का पढ़ाई नहीं कर पाते उनको भी कुछ छूट देनी चाहिए पढ़ाई के मामले में, कंप्यूटर के मामले में? बिल्कुल, और मैं ये आपके सामने ये कहना चाहूँगा राजू भैया से कि अगर कोई बच्चा आपके यहाँ ऐसा आता है जो पढ़ने में मेधावी हो और उसके फ़ी की समस्या हो तो वो फ़ी मैं भर दूँगा, जितने भी बच्चे होंगे, 2 हो 4 हो 5 हो, महीने की फ़ी, कोर्स का फ़ी मैं भर दूँगा, तो ये मेरा मेरी जिम्मेदारियों में से मैं समझता हूँ और बाकी जगह भी हम ये काम करते हैं। आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा मेधावी है, मेधावी होना शर्त है, ऐसा ना हो कि बहुत एवरेज हो और मोबाइल चलाने में उसके 4 घंटे बीतते हों, तो ऐसे घोड़े पे रेस पैसा लगाना बिल्कुल बेकार का काम है। अगर कोई बच्चा मेधावी है तो इस कोचिंग का भी और बाकी जगह भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है उसको अगर कोचिंग की फ़ी मैं भर दूँगा। इंफोसॉफ्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है जी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, खास क्या? यहाँ पे यह खासियत है कि मतलब इसका कंप्यूटर इसमें बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, मैंने सुना है, महाराजगंज से मैं हूँ और यहाँ का नाम मैंने सुना तो यहाँ पे मैं आई पढ़ने। 30 किलोमीटर दूर है जी जी, अंजलि कुमारी। उनको पहले थ्योरी कराया जाता है, थ्योरी में जो भी हो उसको समझाया जाता है, जिस लैंग्वेज में समझे, इंग्लिश समझे या फिर हिंदी समझे, उसके बाद से लैब में आते हैं तो लैब में भी टीचर होते हैं, वो भी बच्चे को समझाते हैं। जो बच्चे को कुछ नहीं आता है उसको जितना बार पूछते हैं वो समझाया जाता है, जैसे बच्चे को समझ में आए उस टाइप का बता दिया जाता है। जैसे कि किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आता है तो किसी को हिंदी में समझ में आता है, उसके बाद क्या होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो सारे लोग ध्यान देते हैं, जो भी बच्चे को अच्छा लगे वो सब बताया जाता है। कंप्यूटर में सारे डिप्लोमा कोर्सेज की तैयारी कराया जाता है, जैसे ADCA, DCA, ADCS, DCS, टैली, HTML, DHTML, इस टाइप का कोर्सेज भी कराया जाता है। पेमेंट करने का भी दोनों तरीका है, एक वन टाइम का भी पेमेंट कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। और हाँ, ये इंफोसॉफ्ट का दूसरा ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है रजिस्ट्री कचहरी रोड और ये है रामराज मोड़।
यहाँ बहुत अच्छे से जानकारी मिल पाती है। यहाँ आधुनिक लैबों से बताया जाता है बच्चों को, बच्चे किसी भी प्रॉब्लम रहते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और टाइम सुबह शाम जब भी जिस टाइम मिलता है उस टाइम दिया जाता है। यहाँ सर है, मैम है, मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा आधुनिक मिलता है। हम लोग ये हमारा दूसरा ब्रांच खुला हुआ है, पहला ब्रांच हमारा रजिस्ट्री कचहरी में है जो कागजी मोहल्ला मोड़ पर है, दूसरा का हम लोग कोचिंग है रामराज मोड़ पश्चिम के पास खुला है। हम सभी से सिवानवासियों से निवेदन करेंगे फर्स्ट वन टाइम विजिट दियर। जी मुझे यहाँ क्लास करते हुए 1 ईयर हो गया। क्या कुछ मैं ADCA कोर्स करता हूँ, मुझे ADCA कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से बताया गया है, मुझे हर एक चीज़ पता है ADCA के बारे में। कोर्स खासकर विशाल सर एक तो हैं वो कोर्स कराते हैं ADCA के, MK से डायरेक्टर हैं वो। मेरा नाम राहुल कुमार सोनी है, हमें वहाँ रजिस्ट्री कचहरी रोड से वहाँ से पढ़े हुए हैं ADCA कोर्स एक साल। ये इन्फोसॉफ्ट का सफलता है और रजिस्ट्री कचहरी में इसका मेन ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो गए थे और इस साइड के बच्चे का डिमांड था कि सॉरी इस साइड रामराज मोड़ की तरफ मतलब अपना ब्रांच खोलिए, तो हम लोग ने अथक प्रयास से यहाँ पे बहुत अच्छा जगह मिला है जहाँ पे बच्चों की AC रूम की सुविधा बनाई गई है और पर बच्चों के लिए एक एक सिस्टम की व्यवस्था की गई है और ये काफ़ी बच्चों के भविष्य को देखकर किया गया है। यहाँ पे कंप्यूटर के सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं और काफ़ी कुशल शिक्षकों से कराए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट आ रहा है, बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आतुर हैं और 50% का भी डिस्काउंट किया गया है। सीमित समय के लिए या अभी तो ये सीमित समय के लिए। यहाँ सारे बच्चों को सुविधा मैंने कि दिया जा रहा है, जो भी बच्चे कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं यहाँ के वो सीख सकते हैं और सारी जो भी सुविधा मतलब कि अदर इंस्टीट्यूट में है उससे बेटर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। ये रामराज मोड़ से पश्चिम है, यहीं पे खुला है। क्या नाम है? इन्फोसॉफ्ट। दूसरा ब्रांच खुला है? जी पहला ब्रांच इसका कागजी मोहल्ला में है, ये शिवरत शाह के बगल में, और दूसरा यहाँ पे खुला है रामराज मोड़ पे।